नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हम वास्तु में करते हैं, तो ये गलती मत करना। ये कौन सी गलती है और उसको सुधारने का बहुत सरल तरीका है, तो ये क्या है, ये क्या नुकसान कर सकता है, ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के एंड में नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा। सबसे पहले देखते हैं मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ये हो गई वास्तु की मुख्य दिशाएं। वास्तु में वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं कि वास्तु सही रहता है पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, तरक्की, पैसा और मानसिक शांति अच्छी रहती है अगर आपका पूरा वास्तु अच्छा है। वास्तु शास्त्र में न सिर्फ दिशाओं को बहुत महत्व है बल्कि घर पर रखी चीजों का भी उतना ही महत्व है। गलत डायरेक्शन में, गलत एनर्जी जोन में गलत चीज रखने से आपको गलत परिणाम मिल सकता है, क्योंकि अग्नि अगर आप पानी की जगह रखोगे तो आपको गलत परिणाम मिलेगा, या फिर पानी को अग्नि में रखोगे तो भी गलत परिणाम मिलेगा। इसलिए आप अगर आपको जो सेविंग है, जो चीजें है, बढ़ानी है, घर में लानी है, वो अगर आप वायु कोण में रखोगे तो वो बाहर निकल जाएगी, वो घर में टिक ही नहीं पाएगी। अगर आपको दुकान है, आपका ऑफिस है, वहां से आपको माल बाहर निकलना है, वो अगर आप स्टेबिलिटी जोन में रखते हो तो वो माल जल्दी से बाहर जाएगा नहीं। उसको स्टेबिलिटी जोन आप जब तक रखोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा वहीं पे। उसको आपको रखना होगा वायु जोन में तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वास्तु में। घर में रखी गई कुछ ऐसी वस्तुएं और कुछ ऐसी तस्वीरें शुभ अशुभ असर घर पर या रहने वाले लोगों पर छोड़ती है। ऐसे ही घर में बहुत जगह पे मैंने देखा है कि डूबती हुई नाव का जो फोटो होता है, डूबती हुई नाव क्या होता है दोस्तों, कि ये चित्र बहुत अट्रैक्टिव होता है डूबती हुई नाव का। हमें क्या लगता है कि यार समंदर ही है, इसमें इतना क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ये छोटा फोटो हम लगा देंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग कहते हैं कि सर इसमें छोटा साइज लगाए तो चलेगा क्या, इसको मैं ये कॉर्नर में लगाओगे, इसमें पानी दिख रहा है, नाव है लेकिन पानी ज्यादा है तो मैं इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाऊं क्या। ऐसा नहीं करना है, ये गलती से भी इसमें पानी है सब है लेकिन इसको किधर भी नहीं लगाना है। डूबती हुई नाव का फोटो आपको घर में नहीं लगाना है, गलती से भी नहीं लगाना है। गिफ्ट में आता है वो आप किसी को दे दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, किधर भी रख दीजिए, वो आपको घर में नहीं लगाना है। इस तरह का फोटो आप घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ती है, इसमें तनाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे डूबते हुए नाव पर जो लोग रहेंगे वो जो तनाव में रहेंगे उस प्रकार का तनाव आप फील करोगे आपके घर में इस प्रकार के फोटो लगाने से। किसी भी विनाश से जुड़ी हुई तस्वीर जो है वो घर में नहीं लगाना है, जैसे कि महाभारत है, युद्ध की फोटो है, या युद्ध से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें है, या उग्रता ऐसी तस्वीरें है जिस कारण परिवार में आपके तान तनाव हो सकता है, इस प्रकार की तस्वीरें आपको घर में नहीं लगाना है। जंगली जानवर है, युद्ध की नहीं लगाना है, मैंने अभी बताया। वैसे ही जानवर जो है, जंगली जानवर जो है, हिंस्र पशु जिनको हम कह सकते हैं, सिंह, सियार, बिल्ली जैसे मांस भक्षी पशुओं के जो चित्र है वो घर में नहीं लगाना है। बहता हुआ जो पानी है इसकी तस्वीर आपको आपके ड्राइंग रूम में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। तस्वीर कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वास्तु शास्त्र में बहता हुआ पानी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि वॉटरफॉल का लगाना है, ये है वो है, लेकिन वो कहां पर, कैसे, कब लगाना है, ये सभी चीजें हैं, लेकिन जो सिर्फ बहता हुआ पानी है, नदी है, ये फोटो आपको नहीं लगाना है। बहता पानी ये फोटो मत लगाइए, इसकी जो एनर्जी होती है वो घर में कुछ चीजें टिकने नहीं देती है, पॉजिटिव एनर्जी टिकने नहीं देती है। जो कांटेदार पौधे होते हैं, कैक्टस होते हैं, ये नहीं लगाना चाहिए, ये निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ऐसे में उनकी तस्वीर घर में लगाने से भी बचना है। सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि ऐसे पौधे घर में नहीं लाना है। मान्यता है कि कांटेदार पौधों से परिजनों के बीच सामंजस्य कम होता है और आपस में मतभेद पैदा होते हैं, यानी उस घर में, उस परिवार में जो भी लोग रहते हैं
उनका एक दूसरे में लगाव कम हो जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ अनबन लगी रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेंगे, झगड़े होंगे, शांति का वातावरण नहीं बनेगा, ये सब चीजें चलती रहेगी। इस वजह से घर में कैक्टस या उससे जुड़ी फोटो या कुछ कुछ भी चीजें नहीं रखना है। घर में देवी देवताओं की या कौन सी भी हो खंडित मूर्ति नहीं रखना है। खंडित मूर्ति यानी कि वो टूट चुका है, और अगर वो टूट चुका है तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता है, उसमें से निगेटिव एनर्जी आएगी, वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, उसको देख के आपको प्रसन्न नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम निगेटिव एनर्जी कहेंगे। खंडित मूर्ति किसी भी भगवान की हो या कोई बड़ी मूर्ति हो, आपने घर में शोकेस में लगाई है, वो टूट गई है, आपने उसको फिर से लगा दिया, ऐसे खंडित मूर्ति घर में नहीं रखना है, ये ध्यान में रखिए। घर में पुरानी खंडित और पूजा में इसका प्रयोग नहीं करना है। ये जो मूर्तियां है इसको आप शीघ्र घर से बाहर निकालिए। खंडित मूर्ति की पूजा से न सिर्फ मन भटकता है बल्कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। नटराज, शनि भगवान और भैरव देवता की मूर्ति घर में नहीं रखते हैं। ध्यान में रखिए, कभी भी नटराज की मूर्ति, नटराज यानी शिव जी का तांडव स्वरूप शनि देव और भैरव देव, इनकी मूर्ति घर में नहीं रखते हैं कभी भी, ये ध्यान में रखिए। नटराज भगवान की मूर्ति यानी तांडव करते हुए भोलेनाथ, सुख शांति की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी घर के भीतर भगवान शिव के इस रौद्र रूप वाली फोटो को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तांडव विनाशकारी होता है। इसके अलावा घर पर शनिदेव और काल भैरव की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। इन दोनों देवताओं की पूजा मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में शंख और रथ एक साथ है ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लगा सकते हैं, क्योंकि रथ और शंख युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घर में कभी भी वीरान एवं सुनसान स्थान की पेंटिंग आपको नहीं लगाना है, और गलती से भी ऐसी पेंटिंग मत लगाइए जिसमें मतलब उदासी है या सब पत्ते बिछड़ गए हैं, गिर गए हैं, ऐसे पेड़ की कोई तस्वीर है, तो इस प्रकार की तस्वीर नहीं लगाना है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा है दोस्तों कि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है वास्तु में, जैसे कि जंगली पशुओं की तस्वीर है या बहता पानी है, बहते पानी का मैंने एग्जांपल दिया, डूबती नाव, लोग कहते हैं डूबती नाव की फोटो में पानी ज्यादा है तो वो हम नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे, उसमें पानी चलता है, नहीं, उससे वो जो फोटो है वो मेनली डूबती नाव के लिए है, तो उसमें उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है और वो निगेटिव एनर्जी है, उसमें तनाव है, उसमें टेंशन है, वो नहीं रखना है। युद्ध में भी जो है वैसे ही है तो वो नहीं। आप घर में रख सकते हो जैसे गणपति भगवान वगैरह है, इनकी फोटो आप रखिए। कुछ नैसर्गिक सौंदर्य यानी कि फूल है, पहाड़ है जहां पर अच्छे फूल आए हैं, इस प्रकार के पहाड़ है, या कोई एकदम ब्यूटीफुल एनिमल यानी कि अच्छे जो छोटे पेट आते हैं, या जैसे कि छोटा कुत्ता है खूबसूरत दिखा रहा है, वो ऐसे कुछ फोटोज आप रख सकते हो, लेकिन वो आपको कभी भी रॉन्ग जोन में नहीं रखना है। ऐसे फोटोज कहाँ पर रखना है, कहाँ पर रहे नहीं रखना है, उसके भी नियम है, उसी प्रकार से आपको वो फोटो रखना है। जैसे हरेक दिशा के लिए एक ग्रह होता है, वैसे ही हरेक दिशा के लिए एक हर एक जानवर का महत्व है, इसलिए कौन सा भी फोटो किसी भी जानवर का कहीं पर भी लगाकर नहीं चलता है। आजकल कुछ वास्तु दोषों के लिए भी लोग पशुओं के फोटो का सजेशन देते हैं, लेकिन वो भी जो है वो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर ही आपको करना चाहिए। खुद से लाकर आपको घर में कुछ लगा देना वास्तु उपाय के लिए, ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ फोटो है, कुछ गलतियां है, ये अगर हम अनजाने में करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होता है। वास्तु आपका अच्छा होगा फिर भी निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो ये गलतियां मत करना।
आपको वास्तु का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है प्लीज उसको प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।